एडीजे का स्टूडेंट था सर, हो ही नहीं रहा। और कोई पितृ पूजा करा रहा हूँ, उसमें ज्योतिषी ने बताया है कि वो पितृ रोक रहे हैं, कि जो आसपास की जो आत्माएं हैं वो सफल नहीं होने दे रही हैं। तो मैंने कहा तुमने क्या बिगाड़ा था उन आत्माओं का, कि इस जन्म में तो मैंने कुछ भी नहीं बिगाड़ा। हो सकता है कि पूर्व जन्म में मैंने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से वो आत्माएं मुझे पास नहीं होने दे रही। तो वो आत्माएं दूसरों को पास होने दे रही हैं और आपको पास नहीं होने दे रही। तो मैंने कहा भगवान में कितना विश्वास है, अटूट विश्वास है। तो भगवान तो बहुत बेईमान है, आप मेहनत करते हैं आपको पास नहीं होने देता, दूसरों को पास करवा रहा है, तो ऐसे भगवान में क्यों विश्वास करते हो? नहीं सर, भगवान थोड़े। तो मैंने कहा तो तुम्हारी गलती है कि नहीं, कुछ इस तरह के पुराने कर्म हैं। मैंने जिन कर्मों के बारे में आपको जानकारी नहीं उनके बारे में आप कर रहे हैं चर्चा, और जिन बातों के संबंध में आपको कुछ भी पता नहीं है, मतलब बिल्कुल ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि कोई सोया हुआ आदमी कर रहा हो, कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन करता है, वैसी बातें कर रहे हो आप। अरे सर, आप तो इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते, मानते नहीं हैं तो पता नहीं। मैंने कहा नहीं, तुमने कब लिखा, कब तैयार की मेरी असफलताओं के कारणों की लिस्ट, कब बनाई? कि वो तो कभी नहीं बनाई। तो बनाओ ना, क्या बनाऊं उसमें लिखो आज हेडलाइन मेरी। आपने कितने बार एग्जाम दिया? बोले 4 बार दे लिया। कितने साल हो गए? कि पिछले 5 साल से तो कर ही रहा हूं। तो लिखो मेरी असफलताओं के कारणों की सूची। वैसे मैंने कहा इस तथ्य को सर्वाधिक अच्छे से आप ही जानते हैं, मैं नहीं जानता। बेशक आप मेरे विद्यार्थी हैं, लेकिन फिर भी मैं इस तथ्य को पूरी तरह से नहीं जानता हूं, अपरिचित हूं। तो सर आप भी बताइए। तो मैंने कहा जितना मुझे हल्का हल्का मुझे परिचय है, क्योंकि आप मेरे से पढ़े हैं, कई साल पढ़े हैं, फिर भी मुझे हल्का हल्का परिचय है, उस हल्के हल्के परिचय के संबंध में मैं बता सकता हूं। फिर उसमें जोड़ और घटाव आप खुद कर लेना। पहला, सूची में आपने कभी यह तय किया कि इस क्लास में मान लो केवल एक ही स्टूडेंट का सिलेक्शन होना हो? तो मैंने कहा मैं सुनवाता रहा हूं, बाहर खड़े पोडियम पर बुला बुला के सुनवाता रहा हूं कि आपने कैसा पक्का याद किया। तो क्या आपने कितने बार सुनाया? सर माओ मैं आते ही भूल जाता हूं, ये आप कुतर्क कर रहे हैं। मैं आपको पोडियम पर बुलाऊं, मैं पूछूं आपका नाम क्या है तो आप भूल जाएंगे कि नहीं? आपके पिताजी का नाम भूल जाएंगे कि नहीं? आपके घर परिवार का नाम भूल जाएंगे? नहीं। हम क्या पढ़ा रहे हैं ऐसे भूल जाएंगे कि नहीं? तो आप झूठ बोल रहे हैं। आपको क्लास में ही एक प्रतिस्पर्धा तय कर लेनी चाहिए। क्लास में तो बहुत स्टूडेंट नहीं होते भाई, एग्जाम में तो 85,000 लोग बैठते हैं, 85,000 के संबंध में आपको कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन क्लास में आपने अपनी अंतरात्मा से पूछा कभी कि मैं इस क्लास में सर्वाधिक अच्छे से सुनाने में समर्थ हूं? तो इसका मतलब क्या है? याद, याद नहीं, सबसे अच्छा याद, याद है या नहीं? ये पहला ही लिस्ट का आपका बिंदु है। बोले हाँ सर, ये तो कमी रह गई थोड़ी सी। तो मैंने कहा क्या इस कमी को आपने पूरा करना चाहा? बोले सर इसे एडीजे में मैं यही करने वाला हूँ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अच्छा है यदि आप ऐसा करते हैं। तो लिस्ट का प्रथम बिंदु है, और प्रश्न किसी और ने पूछा, उत्तर उनको दिया हुआ आप सबके भी काम आना चाहिए, इसलिए मैं इस वार्ता को यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ आप सबके सामने। आपकी हैंडराइटिंग के संबंध में आप क्या कर रहे हो? सर समझ तो लेते ही हैं। तो मैंने कहा आपकी हैंडराइटिंग के संबंध में जो मैं जानता हूं वो ये है कि समझ में तो आती है, लेकिन समझने में ध्यान से पढ़नी होती है तब समझ में आती है, इतने आसानी से समझ में नहीं आती है। हैंडराइटिंग जैसी चीज पर किसी इन्विजिलेटर को
ध्यान क्यों लगाना चाहिए? उन्हें ऐसा विद्यार्थी उपलब्ध है जिसकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी और पठनी है, अच्छी आकर्षित भी करती है और पठनी भी है, देन व्हाई शुड ही सेलेक्ट यू? अदर ऑप्शन इज अवेलेबल, व्हाई शुड ही? और मैंने कहा आप पारंगत हो गए आप गंदा लिखने में और आप पुनः पुनः उसी चीज को दोहरा रहे हैं, तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। क्या आपने ये मार्क किया अपनी दोनों ही भाषाओं में कितना शुद्ध और कितना अशुद्ध लिखते हैं? शुद्धता और अशुद्धता के कई पैमाने हैं, तो शुद्ध अशुद्ध आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, हाँ सर वो हिंदी की थोड़ी सी हो जाती है, पर आप जिसे थोड़ी सी कह रहे हैं ये प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता का मतलब है विपरीत से ज्यादा योग्य, आप विपरीत से ज्यादा योग्य नहीं है इसलिए आप असफल हो गए। आपने इस पर क्या कार्य किया, क्या एम्फेसिस दिया और कह रहे हो कि आस पड़ोस के देवी देवता आपको पास नहीं होने देना चाह रहे? कौन से देवी देवता? न कोई देवी घूम रही है न देवता घूम रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं है। आप पास हो मत पास हो, आप जज के तौर पर अपना कैरियर बनाओ, आप ठेला चलाने वाले के तौर पर कैरियर बनाओ, उन्हें कोई लेना देना नहीं है किसी को। न वो तुम्हारे सहयोग करने आ रहे हैं और ना आपका दुरुपयोग करने आ रहे हैं, ये तो चारों तरफ फैली हुई बेवकूफों की जमात ने एक सॉफ्टवेयर बना दिया है जो विद्यार्थियों में भी वैसा ही इंस्टॉल है। यानी कहां से कि कोई शक्ति है जो हमें पास नहीं होने दे रही, और कोई शक्ति है जो किसी को पास करा रही है? ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ना तो फेल करने वाली शक्ति है और ना पास करने वाली शक्ति है। वो शक्ति आपके अंदर ही है, आप ही हो। आप चाहो तो शानदार जीवन जियो, चाहो तो भिखमंगे की तरह जियो, ये तो डिपेंड करेगा आप पे, आपकी ऊर्जा पे। ठीक है, तो ये आपने हैंडराइटिंग पे कोई काम नहीं किया, आपने शुद्ध अशुद्ध पे कोई काम नहीं किया, इस पे आपने काम किया। मैंने कहा ये तो वो बातें हैं जो मुझे दिखती हैं, जो मैं क्लास में देखता रहा हूं, बाकी ये लिस्ट और लंबी होगी और इसको तो सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते होंगे। अंक की आवश्यकता है, एक अंक कोई और ज्यादा लेकर आ रहा है और आप कम लेकर आ रहे हैं, तो एक से ही अंतर आ जाता है, एक अंक में ही बहुत सारे लोग सफल और बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं। तो क्या आप जो भाषा है इंग्लिश, इंग्लिश के संबंध में मान लो इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी नहीं है, तो क्या इंग्लिश की जो खाई है वो हिंदी के माध्यम से आपने पाटने की कोशिश की? क्या अन्य सब्जेक्ट्स के माध्यम से कोशिश की, जहां ऐसे बेहतर बच्चे उपलब्ध हैं जिनकी लॉ भी शानदार है, हिंदी भी शानदार है, इंग्लिश की शानदार है, तब आपको क्यों लेगा? इसमें किसी और का कारण क्या है? आप खुद ही जिम्मेदार हो, और एक आध परसेंट नहीं, 100 के 100, 99 नहीं कहूंगा, 100 के 100% आप खुद ही जिम्मेदार हो। मैं जज ना बना, मैं कोई और अधिकारी ना बना, तो इसमें किसी देवी देवता भगवान का कोई सरोकार नहीं, मैं ही जिम्मेदार हूं, मेरे अलावा और दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं। तो इंग्लिश की आपकी क्यों आपने प्रयास नहीं किया इंग्लिश, जब आप एविडेंस एक्ट को अच्छा कर सकते हो, जब आप सीआरपीसी आईपीसी कोई से एक्ट टीपी जितने भी अच्छे एक्ट कर सकते हो, इंग्लिश तो और भी सरल है उसकी अपेक्षा, तो इंग्लिश के लिए आपने क्यों प्रयास नहीं किया, इंग्लिश कमजोर क्यों रह गई? और कितने ही बार हमने बताया है कि इंग्लिश को कोई विद्यार्थी कैसे मजबूत कर सकता है, इतनी तो टफ भी नहीं है। लेकिन चूंकि अवचेतन इस चीज से भरा पड़ा है कि ये कठिन चीज है, तो मस्तिष्क पहले ही मान चुका है कि ये कोई कठिन चीज है, कठिन है नहीं, माना हुआ है। इंग्लिश के लिए आपका एडिशनल प्रयास, कि एडिशनल प्रयास तो कुछ नहीं, जो क्लास में मैंने कहा क्लास में टीचर आएगा उसके सामने एक सिलेबस होता है, मोस्टली तो उसे सिलेबस ही कराना होता है, क्योंकि वो मान के चलता है लैंग्वेज का टीचर कि ये लेवल तो
होगा ही होगा। अब कोई इससे भी नीचे है, जिसे ABCD भी नहीं आ रही है, जिसे अपने नाम अच्छे से लिखना नहीं आ रहे, जिसे अच्छे से दो सेंटेंस लिखना नहीं आ रहे, तो उन्हें एडिशनल सहयोग के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करनी होगी। इंस्टीट्यूट हर चीज को नहीं करा पाएगा। क्यों? क्योंकि इस क्लास में जितने विद्यार्थी बैठे हैं, उन विद्यार्थियों का अपना अलग अलग लेवल है। जैसे मैं आपसे कहूं, आप अपने ही बारे में एक पेज बिना रुके कितने लोग लिख सकते हैं, जो अपने ही बारे में, सिर्फ अपने ही बारे में लिखना है उन्हें इंग्लिश में, और शुद्ध लिख सकते हैं? कितने लोगों को लगता है कि हम लिख सकते हैं? आपका मीडियम क्या है? मीडियम क्या है? इंग्लिश। आपका मीडियम क्या है? इंग्लिश। आपका आपका इंग्लिश। तो जो विद्यार्थी आपका इंग्लिश, लेकिन सारे विद्यार्थी वही हुए जिनका मीडियम इंग्लिश है, वही लिख सकते हैं इंग्लिश में, इसका मतलब हिंदी मीडियम का कोई विद्यार्थी नहीं लिख सकता। अच्छा, जो हिंदी में एक पेज अपने बारे में आराम से लिख सकते हैं, वो कौन कौन है? हाथ उठाना। आप भी लिख सकते? कोई है जिसको नहीं लिख सकता हो अपने बारे में, जो एक पेज लिखने में उसे असुविधा होगी, मतलब हिंदी में भी नहीं लिख सकते अपने बारे में एक पेज? तो ये ध्यान रखना कि आप कोई परमात्मा के बहुत प्रिय नहीं हो, जो तुम्हें स्पेशल गेस्ट बनाए और तुम्हें सेलेक्ट करा दे। कौन हो आप? जब तक आप अपने कचरे को नहीं धोएंगे, तब तक आपकी वहां कोई जरूरत नहीं है। इसके अनुसार तो, खैर मैं इंग्लिश वाले सर से बात करूंगा, इसके अनुसार तो पता है, मैंने भी बहुत दिन अंग्रेजी भी पढ़ाई है, RS के लिए मैं पढ़ाता था तब। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी मीडियम वालों की और इंग्लिश मीडियम वालों की क्लास ही अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो महसूस करेंगे यदि उनके नीचे ला के पढ़ाया जाए कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है इस क्लास में, और हिंदी वालों को कुछ आएगा नहीं, हिंदी वालों को कुछ आएगा नहीं। मतलब कैसे पास होके आगे लॉ तक कैसे पहुंचे जब आपको इतनी कमजोर लैंग्वेज थी? तो ये तो कंपल्सरी सब्जेक्ट है ना, 9th 10th 11th 12th सभी में चलता है ना इंग्लिश का, तो एलिमेंट्री लेवल। लेकिन देखो ये ठीक है, जैसे भी आ गए हम यहां तक तो आ गए, लेकिन अब आवश्यकता इस बात की है कि ये होना, अब ये होना चाहिए। आप आज समझ गए हैं कि मुझे ये चेंज करना है, तो बस ये समझ आपकी आ गई है तो यही पर्याप्त है। कर सकते हो, कुछ भी कर सकता है कोई आदमी, चेंज कर सकता है। खैर, इंग्लिश के संबंध में नेक्स्ट पॉइंट है, आप उत्तर लिखते हैं, जैसे मंडे टेस्ट, पहले मंडे होता है, संडे टेस्ट, सैटरडे टेस्ट, सैटरडे टेस्ट। तो सैटरडे टेस्ट में क्या क्लास में जितने लोग आते हैं उन सब में आपने हर सैटरडे टेस्ट दिया? हर सैटरडे होता है टेस्ट, हर सैटरडे का टेस्ट दिया था क्या? उन्होंने उनसे पूछा, सर क्या है टेस्ट वाले दिन पहले संडे को लेते थे ना, तो संडे में तो सर क्या है कपड़े वपड़े धोने होते हैं सब। कौन पूछ रहा है तुम्हारे कपड़े धोने, धुले नहीं धुले, ये कंपटीशन थोड़ी ही है। तुम्हें क्या समस्या है, इन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, ये तुम जानो तुम्हारी समस्या है। बोले हाँ सर, वो कई बार में गैप कर जाता था। तो करो ना गैप, उन आपसे बेहतर विद्यार्थी हैं। मैंने कहा ये लिस्ट मिस्टर, ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, और कोई मैंने आप पे पॉइंट आउट नहीं कर किया है, ये तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन बातें बताइए जो सारे विद्यार्थियों की हैं। और यदि आपकी अटेंडेंस भी निकलवा ली जाए ना, तो अटेंडेंस में भी पता लग जाएगा कि आपकी अटेंडेंस की कैसी है। कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, मंदिर है। क्या है? मंदिर। किस बात का? उन मंदिरों में किसी किसी को कुछ मिला या नहीं मिला मुझे पता नहीं है, उन मंदिरों में मेरा कोई विशेष विश्वास नहीं है, लेकिन इस मंदिर में मेरे देखे सैकड़ों लोगों को, सैकड़ों बल्कि हजारों हो गए यदि एडवोकेट्स, उनको हजारों लोगों को मैंने सफलता इन्हीं नीली नीली कुर्सियों उन पर बैठे हुए देखी है। उनमें मिली है या नहीं मिली इसमें मेरा कोई जानकारी नहीं है, हो सकता है मिल भी गई हो लोगों को, लोगों को लगता हो, मुझे नहीं पता।
उसका मेरा कोई अनुभव नहीं, लेकिन इसका मेरा अनुभव है। तो आप भी अपनी लिस्ट बनाना और आपकी अंतरात्मा जो कहती हो उसके हिसाब से बनाना, ठीक है।